जब पैंडेमिक होता है तो यूजली वेव्स आती हैं, और ये स्पैनिश फ्लू जो 1918 में हुआ तब भी ये देखा गया, जब हमने H1N1 स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक देखा 2009 में तो भी ये देखा गया। और ये शुरू में क्योंकि एक ससेप्टेबल पॉपुलेशन होती है तो इसमें वेव्स मल्टीपल वेव्स आती हैं, उसके बाद वायरस बिकम्स एंडेमिक और फिर इन्फेक्शन हैज़ अ सीजनैलिटी। जैसे अगर हम H1N1 की बात करें तो अब उसमें जो केसेस कुछ हद तक बढ़ते हैं वो मानसून के महीने में बढ़ते हैं या सर्दियों में बढ़ते हैं, और उस टाइप की एक सीजनैलिटी वायरस की स्प्रेड में आ जाती है। और ये इसलिए आती है कि जब लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन आइदर बाय वैक्सीनेशन और बाय नेचुरल इन्फेक्शन हैज़ इम्यूनिटी। लेकिन ये वेव शुरू में क्यों आती हैं? एक तो वायरस के कारण हो सकती हैं कि वायरस कुछ हद तक चेंज करता है और वो न्यू वेरिएंट्स आ जाते हैं, जैसे हमने अल्फा और डेल्टा वेरिएंट देखे जो ज़्यादा इन्फेक्शियस थे। लेकिन ऑल्सो इट इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और ये 1918 में भी देखा गया। और 1918 का अगर हम डेटा देखें तो सेकेंड वेव वॉज द मोस्ट बिगेस्ट वेव, मैक्सिमम डेथ्स एंड केसेज हैपन इन द सेकेंड वेव, लेकिन उसके बाद देर वॉज अ स्मॉलर थर्ड वेव ऑल्सो। जब भी केसेस बढ़ते हैं देर इज़ देन फियर इन पीपल एंड ह्यूमन बिहेवियर चेंजेस, और उसमें ये होता है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और इनफैक्ट नॉन फार्मास्यूटिकल मेजर्स जो हैं वो हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, लॉकडाउन भी हो जाता है, तो उससे चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूट जाता है और वायरस आगे फैल नहीं पाता, और इसलिए केसेस भी कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे हमारे केसेस कम होते हैं तो अनलॉकिंग शुरू हो जाती है, और अनलॉकिंग के साथ ह्यूमन बिहेवियर फिर चेंज हो जाता है, और लोग ये सोचने लगते हैं कि अब वायरस जो है अब हमारे यहाँ नहीं है, या इसमें कोई अब इतना इन्फेक्शन नहीं होगा, और फिर भीड़ बन इकट्ठी होने लगती है, मास्क लगाना कम हो जाता है, और उसके होने से वायरस फिर कम्युनिटी में फैलना शुरू हो जाता है, और उससे फिर एक नई वेव बनती है। इसलिए अगर हमें अगली वेव्स को रोकना है तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत अग्रेसिवली फॉलो करना पड़ेगा, जब तक हम ये ना कह पाएँ कि नाउ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आर पॉपुलेशन इज़ वैक्सीनेटेड। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब हमारे यहाँ पे इनफ पीपल आर वैक्सीनेटेड या नेचुरल इम्यूनिटी हो जाएगी देन दीज वेव्स विल स्टॉप, लेकिन तब तक जो है अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही एक हमारे पास रास्ता है जिससे हम आगे वेव्स को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। दूसरा पॉइंट था कि ये जो अगली वेव्स हैं ये बच्चों में ज़्यादा सीरियस होंगी। अगर हम पूरा डेटा देखें, इंडियन डेटा देखें, फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का, या ग्लोबल डेटा देखें, तो अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया विद ओल्ड दी वायरस और द न्यू वेरिएंट्स जहाँ पे ये दिखाया गया है कि बच्चों में अब ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो। अगर हम सेकेंड वेव का डेटा भी देखें तो जो भी बच्चे एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, 60-70% जो बच्चे एडमिट हुए थे देवर दोज विद को मॉर्बिडिटीज़, या तो उनकी इम्यूनिटी कम थी, या कुछ कुछ ऐसे बच्चे थे जो कीमोथेरेपी पे थे। जो हेल्दी बच्चे थे उनको माइल्ड इलनेस हुआ एंड दे रिकवर्ड विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। इसलिए अभी कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि अगले अगर वेव आएगी तो सीवियर इलनेस बच्चों में करेंगी, और चाहे हम इंडियन डेटा देखें चाहे ग्लोबल डेटा देखें, और कई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अभी भी कई केसेस आ रहे हैं, नए वेव चल रहे हैं, लेकिन उसमें कभी कभी अभी तक भी ऐसा कोई डेटा नहीं आया कि बच्चों में ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन होती है। तो आई डोंट थिंक दैट वी विल हैव एनी सीरियस इन्फेक्शन इन द फ्यूचर इन चिल्ड्रन। और अगर हमें अगले वेव्स को रोकना है तो ये हम सबके हाथ में है। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बना के रखेंगे, भीड़ नहीं इकट्ठे होने देंगे, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ेंगे तो हमारे लिए आगे के लिए वेव्स नहीं बनेंगे, और ये आई थिंक बहुत ज़रूरी है बोथ फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सब्सिक्वेंट वेव्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन की सब्सिक्वेंट वेव्स आर गोइंग टू कॉज मोर सीवियर डिजीज इन चिल्ड्रन। थैंक यू।